समय, दूरी और द्रव्यमान। एक घड़ी, एक पटरी या पैमाना और एक तराजू, बस इतनी ही चीजों की जरूरत होती है द्रव्यमान या उससे जुड़ी गणनाओं को समझने के लिए। हम समय को लेकिन नापते कैसे हैं और जैसे भी नापते हैं आखिर इस तरह क्यों करते हैं? प्राचीन काल से ही मनुष्य ने आकाश में सूरज, चांद और तारों की चाल को देखकर उनके व्यवहार को समझने की कोशिश की है। सूरज का एक नियम से उगना और डूबना, रात में तारों और नक्षत्रों की आकाश में एक नियमित चाल, इन सभी ने मिलकर समय को समझने में हमारी मदद की है। जितना समय पृथ्वी अपनी धुरी पर एक बार घूमने के लिए लेती है उसे हम एक दिन कहते हैं। और हम जानते हैं कि जब एक साल में धरती सूरज के आसपास एक पूरा चक्कर लगाती है तो उतने ही समय में अपनी धुरी पर 365 बार घूमती है, यानी एक साल में 365 दिन होते हैं। यह सभी गणनाएं हमारे पृथ्वी के अवलोकन पर आधारित हैं, यानी हमने पृथ्वी को देखा, समझा और फिर समय से संबंधित ये सभी गणनाएं की। पिछले 5000 सालों में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय पर एक दिन को विभाजित करने के अलग अलग तरीके उभर कर आए, लेकिन अंततः हमने निर्धारित किया कि एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड होंगे। अब ये 24 घंटे, 60 मिनट और 60 सेकंड ही क्यों? अरे भाई, ये सिर्फ सहूलियत या सुविधा की बात है और ये ठीक ठाक काम भी कर रहा है। लेकिन विज्ञान की सभी गणनाओं में हम सेकंड का प्रयोग करते हैं, मिनट और घंटे का नहीं, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं दूरी की। हम दूरी को कैसे नापते हैं? जब से मनुष्य को एक जगह से दूसरी जगह और फिर वापस पहले वाली जगह आने की जरूरत महसूस हुई, दूरी को नापना बहुत जरूरी हो गया। तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में दूरी को नापने के अलग अलग तरीके उभर कर आए, लेकिन अब हम सब ने मिलकर मीटर को दूरी की मूल इकाई के रूप में निर्धारित कर लिया है। हम क्षेत्रफल और आयतन की गणना दूरी या लंबाई की इसी मूल इकाई के आधार पर करते हैं। मीटर लंबाई के कुछ गणनाओं के लिए तो ठीक है, लेकिन बहुत लंबी और बहुत छोटी दूरी को मापने के लिए यह सही नहीं है। इसके लिए अलग अलग दूरियों को नापने के लिए हम मीटर के अलग अलग गुणजों और भागों का प्रयोग करते हैं। अब जरा इस वीडियो को देखो। डेढ़ मीटर होता है एक मीटर और 5 डेसीमीटर या फिर 50 सेंटीमीटर, लेकिन हम डेसीमीटर का उतना प्रयोग नहीं करते, इसलिए हम डेढ़ मीटर कहते हैं, एक मीटर और 50 सेंटीमीटर। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि 1.30 मीटर कितना हुआ या फिर 1.37 मीटर कितना हुआ? सोचिए तो। बात करते हैं द्रव्यमान की। दुनिया की हर वस्तु या चीज पदार्थ की बनी है और पदार्थ को मापने की मूल इकाई को द्रव्यमान कहते हैं। हम किसी भी वस्तु के द्रव्यमान की गणना उसकी तुलना किसी ज्ञात द्रव्यमान से करके पता कर सकते हैं। आप यही तुलना कर रहे होते हैं जब आप तराजू के दो पलड़ों में चीजें रखते हैं। एक तरफ ज्ञात द्रव्यमान रखते हैं जिसे हम बाट कहते हैं, जैसे 1 किलो का बाट, और दूसरी तरफ अज्ञात द्रव्यमान, यानी वो जो हमें पता करना है, जैसे कि कुछ किलो गेहूं। आप देख सकते हैं कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से पलड़े में बाट रखते ही वो नीचे झुक जाता है। जैसे ही दूसरे पलड़े में आप गेहूं रखते हैं, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण उस पलड़े को भी धीरे धीरे नीचे खींचना शुरू कर देता है। तराजू की संरचना कुछ इस प्रकार से की गई होती है कि जैसे जैसे गेहूं का पलड़ा भारी होता है, वैसे ही वैसे 1 किलो के बाट वाला पलड़ा ऊपर आता रहता है। और जब दोनों पलड़े बराबर हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि गेहूं 1 किलो हो गया।
जिस तरह से लंबाई के पैमाने 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, उसी तरह से द्रव्यमान के पैमाने 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। पर ग्राम एक बहुत ही छोटा वजन होता है। तो लो, अब हम जान गए हैं कि समय को सेकंड में नापते हैं, दूरी को मीटर या सेंटीमीटर में, और द्रव्यमान को ग्राम या किलोग्राम में। तो अब हम कुछ चीजों को नापने के लिए बिल्कुल तैयार हैं।